खेरी किचन और हमेशा की तरह मैं ही हूँ दीपिका खेरी। और आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि हम बैंगन को कैसे उसका कचूवा निकालते हैं। ये भरता बैंगन नहीं है या बैंगन भरता जो भी आप उसे कहते हैं, ये वो रेसिपी नहीं है, ये उससे डिफरेंट है और डिफरेंट स्टाइल से मैंने बनाई है जिसके अंदर बहुत सारे इंडियन मसाले यूज नहीं हुए हैं। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको मुझे नहीं पता मुझे क्या नाम देना चाहिए, पर मुझे लगा कि बैंगन कचूवर क्योंकि। तो चलिए देखते हैं किचन में चल के इसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए और कैसे इसे बनाएंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे मेजर करी है और मैंने कुछ नोट्स मेंशन करे हैं, तो आप चाहें तो एक बार उन्हें पढ़ लें यहाँ से। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए कटा हुआ प्याज, चेरी टोमेटोस, रेड चिलीज, जिंजर, गार्लिक, कोरिएंडर लीव्स, रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट, ऑयल एंड देन ब्रिंजल। आई हैव यूज्ड लॉन्ग ब्रिंजल, सो अभी मैंने उसे काटा नहीं है, मैं उसे थोड़ी देर में काटने वाली हूँ। उसके बाद अब हम एक पैन में ऑयल लेंगे, मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है तो मैंने इसमें अदरक और जो रेड चिलीज थी चॉप करी हुई वो मैंने इसमें डाली हैं। और इसमें हम कोई जीरा या किसी भी ऐसे चीज़ का टेम्परिंग नहीं दे रहे हैं, सीधा मैंने इसमें रेड चिली और अदरक डाला है। और जैसे ही ये 5-10 सेकेंड तक सॉटे हुआ उसके बाद मैंने इसमें गार्लिक डाल दिया है। इससे क्या होगा, जो तेल है उसके अंदर सारे फ्लेवर्स रिलीज हो जाएंगे, अदरक का और लहसुन का जो फ्लेवर है वो सॉटे होने के बाद मैंने इसमें प्याज डाला है जिसको मैं गोल्डन ब्राउन नहीं करूँगी, पर हाँ मैं उसको थोड़ा सा सॉटे करूँगी ताकि वो थोड़ा सा पक जाए तेल के अंदर। तो हार्डली मैंने इसको 10-15 सेकेंड तक इसको मैंने सॉटे करा है और फ्लेम इस टाइम पर मेरा मीडियम पर है। उसके बाद मैंने इसमें चेरी टोमेटोज डाले हैं और चेरी टोमेटोज को हम एक बार इस पूरे मसाले के साथ मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम इन चेरी टोमेटोज को 4-5 मिनट तक थोड़ा सा पकाएंगे बीच बीच में हिलाते हुए, ढकने की ज़रूरत नहीं है। और 4-5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो टोमेटोज हैं वो थोड़े से मूशी हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा गलना वो शुरू कर देंगे। और उस टाइम पे मैंने ये बैंगन इसके अंदर कटा हुआ जो बैंगन है वो डाला है। आप देख रहे होंगे कि बैंगन का कलर बिल्कुल वाइट है, या तो आप उसको जस्ट डालने से पहले काटें या फिर अगर आपने काट के पानी में भिगोया है तो उसके अंदर 1 चम्मच दूध डाल दें तो वो ब्राउन नहीं होगा। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद हम इसमें सॉल्ट और रेड चिल्ली पाउडर डाल रहे हैं। दोनों आप अपने हिसाब से डालिए क्योंकि इसमें रेड चिल्ली जो चॉप्ड है वो भी इसमें डली हुई है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी पाउडर जो है वो थोड़ा कम डाला है। उसे एक बार मिक्स करेंगे और इसको अब हम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ढक्कन से ढकेंगे नहीं। और 5 मिनट के बाद देखिए जो बैंगन की जो स्किन का कलर है वो पर्पल से ब्राउन हो गया है। और इसको अब मैंने सेंटर में इकट्ठा कर लिया है और मैंने इसको ढक दिया है और अब मैं इसको 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगी। 5 मिनट के बाद ये जो बीच में मैंने इसलिए रखा था ताकि जो सारी स्टीम है वो पूरी की पूरी सब्जी के अंदर चली जाए। और अब मैं इसको मैश कर रही हूँ और यहाँ से मुझे नाम आया कि हाँ मुझे इसका नाम कचुंबर, बैंगन कचुंबर रखना चाहिए। तो मैंने इसको मैश करा है थोड़ा सा और फिर से मैंने लिड से ढककर इसको 4-5 मिनट तक हम पकाएंगे। और 4-5 मिनट के बाद पकने पर इसे एक बार मिक्स करें। इस टाइम पर सब्जी अच्छे से कुक हो चुकी है, बट एक और स्टेप है जो अभी हम इसके अंदर ज़रूर करेंगे जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको एक बार एक साइड में निकाल लीजिए और सेम पैन में जस्ट 1 टेबलस्पून ऑयल मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म करके इसको एक तड़का लगाइए। तेल में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने थ्रू आउट द रेसिपी ऑलिव ऑयल यूज़ करा है। और इसको 2 मिनट तक चलाएंगे और फिर इसको अब हम कोरिएंडर लीव्स जो हैं हमारे पास उससे हम गार्निश करेंगे अच्छे से और जस्ट 30 सेकेंड के बाद हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को थम्स अप दीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को बाकी और वीडियोस देखने के लिए। अगर आपके किसी दोस्तों को कुकिंग वगैरह पसंद है तो प्लीज उनके साथ भी शेयर कीजिए मेरी रेसिपी। और मिलते हैं अगली बार अगली रेसिपी के साथ। बाय।